आरजीएस टूल का ये वाला सीक्रेट चीट कोड टाइप करके आप पूरा के पूरा हाउस स्पॉन कर सकते हो तो ये वाला सीक्रेट हाउस मैंने कैसे स्पॉन किया इसके अलावा ये वाला रैंप मैंने अपने न्यू हाउस के बाहर कैसे लगाया क्या है इसका सीक्रेट चीट कोड सारी की सारी चीजें आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ बिकॉज न्यू अपडेट के आर टूल के और भी काफी सारे सीक्रेट चीट कोड आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर देना एंड लेट्स गो ऑल राइट गाइड तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको ये कंस्ट्रक्शन एरिया बताया था इसको पूरा एक्सप्लोर करके भी मैंने आपको

यहां पर ये जो गेट है ना वो लॉक्ड पड़ा है लेकिन हो सकता है फ्यूचर में अनलॉक हो जाए और इसके पास में एक छोटी सी गली है और उस गली में भी एक दरवाजा है लेकिन यार ये दोनों ही दरवाजे लॉक्ड पड़े कहा से इस घर के अंदर भी हम जा सकते हैं लेकिन ये है अपना न्यू हाउस और गाइज अभी तो बस शुरुआत है आगे देखते जाओ क्या क्या होने वाला है इसके अलावा अगर आप यहाँ पर पीछे मुड़ के देखते हो ना तो भाई ये हाउस काफी ज्यादा बड़ा है अपना जो नॉर्मल हाउस है ना उससे तो काफी बड़ा लग रहा है अब गाइज एक और खतरनाक चीज आपको दिखाता हूँ अगर आप ये हाउस को अपनी जगह से हिला के कहीं और शिफ्ट करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो तो आपको फिर से आपको आरजी टूल में जा

तब आपका हाउस नहीं हिलेगा ठीक है आपको थोड़ा सा पास जाना ही होगा इसके लाइक इतनी दूरी काफी है यहाँ से आप घर को कहीं पर भी मूव कर सकते हो अब आप आप इस हाउस को वापस से फिक्स करना चाहते हो आप चाहते हो ये बार बार ये तो गैस आपको इसके लिए एक और चीट को टाइप करना पड़ेगा वापस से ठीक है तो आपको यहाँ पर एक सेकेंड यहाँ पर ये घर जो है ना थोड़ा सा सही नहीं लग रहा यार इसकी पोजिशन सही करते है एकदम थोड़ा सा टेढ़ा है ये ना ओके पर एकदम परफेक्ट लग रहा है चलो ठीक है अब देखो यहाँ पर आपको फिर से आरजे स्टूल के अंदर जाना है और यहां पर आपको टाइप करना है एमडी ऑफ ठीक है एम डी ओ डबल टाइप करोगे तो यहाँ पर लिखा मोड ऑफ ठीक है अब आप यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट को हिला नहीं सकते जो आपने स्पॉन करी थी ठीक है तो यहाँ पर यह हाउस कितना भी कर लो, नहीं हिलने वाला है। अब ये तो बस शुरुआत थी अब देखो इस बवाल होने वाला है तो अभी देखो देखोगा मैं अपनी एक खाली जगह पे आ चुका हूं ठीक है अब यहाँ पर आने के बाद आपको फिर से आरजीएस टूल ओपन करना है और यहां पर इस बार आपको टाइप करना है एच पहले हमने यहाँ पर H1 टाइप किया था लेकिन इस बार H2 जैसे आप यहाँ पर राइट क्लिक करोगे भाई साहब एक और न्यू हाउस स्पॉन हो जाएगा ये देखो गाइस कितना ज्यादा बड़ा है और ये वाली बिल्डिंग आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी इंडियन बाइक के अंदर ठीक है ये सिर्फ आप स्पॉन कर सकते हो अभी तो गाइस मैंने आपको सिर्फ दो हाउस बताए हैं आपको मैं इतनी सारी चीजें बताऊंगा आपका दिमाग काम नहीं करेगा भाई इतनी सारी चीजें कब ऐड हो गई ठीक है तो ये सारी चीजें आप भी ट्राई कर सकते हो अपने गेम में जाके और फिर से आपको थोड़ा सा दूर आना है और यहाँ पर इस बार लिखना है एच थ्री जैसे ही ब्राइट क्लिक करोगे ये देखो भाई साहब एक और न्यू मकान आ चुका है जिसके नीचे गाइज आपको तीन दुकानें भी देखने को मिल जाएगी तो यहाँ पर तो अब जगह फुल हो गई है अब सामने चलते हैं कंस्ट्रक्शन एरिया के साइड में बनाएंगे तो गाइज मैंने H1, वन एच टू एंड एच बना दिया है अब टाइप करते हैं H4 और यहाँ पर देखो भाई एक और दुकान आ चुकी है वैसे ये वाला जो हाउस है ना गाइज ये थोड़ा थोड़ा ना कैफे टाइप लग रहा है अब यहाँ पर और खाली जगह की कमी हो गई गाइज अभी यार देखते जाओ मैं कितने हाउस बुलाऊंगा आपके सामने और हाउस के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इस वीडियो में देखने को मिलेगी आपको बस देखते रहो गाइज यहाँ पर बस खाली जगह की थोड़ी सी कमी लग रही है यार मुझे ये जगह परफेक्ट है चलो गाइज यहां पर मैंने एच तक कर दिया था अब टाइप करते हैं यहाँ पर एच जैसे ही राइट क्लिक करेंगे ऑल राइट right, ये देखो यहाँ पर एक और नया घर आ चुका है जिसके नीचे भाई चार सॉरी तीन दुकान है भाई यार बहुत ही ज्यादा खतरनाक मोड है मतलब पूरी की पूरी अपन सिटी स्पॉन कर सकते हैं यहाँ पे हाँ लिटरली में पूरी सिटी स्पॉन कर सकते हैं, उसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगा अब यहाँ पर टाइप करते हैं एच तो यहाँ पर देखना एक और न्यू मकान आ जाएगा भाई साहब ये देखो तो जितने भी घर अभी तक मैंने स्पॉन करे ना सही तरीके से स्पॉन नहीं करे आप एकदम परफेक्ट करोगे तो भाई आप अपनी एक न्यू सिटी बना सकते हो पूरे एरिया में मतलब इतना बड़ा इंडियन बाइक का मैप है ना कहीं पर भी आप कहीं पर भी हाउस स्पॉन कर सकते हो अब यहाँ पर टाइप करते हैं एच और देखते भाई इस बार कौन सी बिल्डिंग आती है सॉरी कौन सा हाउस आता है ऑल लेट्स गो यहाँ पर ये काफी छोटा सा हाउस आया है और यार सारे घर है ना मतलब आगे पीछे हो गए भाई कोई कहाँ पे लग रहा है कोई कहाँ पे लग रहा है सही ढंग से यार लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है बाद में एडजस्ट करना पड़ता है इनको चलो भाई अब यहाँ पर आठवां घर स्पॉन करके देखते हैं तो आठवें घर के लिए आपको टाइप करना होगा एच सिंपल से टाइप करके राइट क्लिक करना है और भाई ये कैसा घर है यार ये तो काफी यूनिक घर आया इस बार और अब यहाँ पर एच और एच यहाँ पर दो घर और बचे हुए हैं उसके बाद गए घर वाली सीरीज एंड हो जाएगी उसके बाद मैं न्यू सीरीज बताऊंगा आपको ठीक है ये आ गया गई अपना एच नाइन वाला घर ये भी काफी यूनिक लग रहा है अब एक लास्ट घर बचा है जो की यह एच टेन से आएगा और गई सारे घर को मूव कैसे करना है तरीका मैंने आपको स्टार्टिंग में बता देता जाके देख लेना ढंग से ठीक है अब यहाँ पर देखो मैं एच टेन लिख रहा हूं और ये आ गया गई अपना फाइनली लास्ट घर लेकर तो सारे 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 ले आप एच टेन तक है यहाँ पर भी घर है अरे हाँ बिल्डिंग से याद आएगा बिल्डिंग्स को भी ऐड कर सकते हो आरजेस टूल की मदद से चलो वो भी चीट कोड बताता हूँ जल्दी से आपको बस गाइस यहाँ पर थोड़ी सी खाली जगह की कमी रह रही है बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है अब फिर से गाइस आपको आरजेस टूल निकालना है और यहाँ पर टाइप करना

भाई साहब ये तो कुछ ज़्यादा नहीं छोटी सी तो है यार मैं बड़ी समझ रहा था बहुत ज्यादा बड़ी होगी अब यहाँ पर जगह की कमी पड़ने वाली है यार जगह की कभी मतलब कहां, कहां पर स्पॉन करें तो गाइज बी वन और B2 के बाद आपको टाइप करना है B3 ठीक है तो ये B3 थ्री मतलब है बिल्डिंग थ्री और ये देखो गाइस भाई साहब ये एक और भाई ये तो काफी बड़ी है ये बिल्डिंग कहीं पर तो देखिए यार कहा पर देखिए कमेंट में बताना गाई इसके बाद आपको टाइप करना है बी भाई जगह यार थोड़ी सी कम पड़ रही है भाई बिल्डिंग आपस में कोलैप्स न हो जाए ये देखो ये ए वाली बिल्डिंग जिसके नीचे लिफ्ट लगी होती है वो आ चुकी है भाई बी पे अब यहाँ पर तो कोई जगह बची ही नहीं थे तो काम करते हैं सामने वाली जमीन पे चलते हैं वहां पर यार काफी ज्यादा बड़ी जगह है अब यहाँ पे आपको टाइप करना है बी और ये देखो भाई ये थोड़ी सी बड़ी बिल्डिंग लग रही है मुझे अब इसके पास में एक और बिल्डिंग स्पॉन करते हैं भाई टोटल कितनी बिल्डिंग है बस देखते जाओ गाइज एक के बाद एक बिल्डिंग आती रहेगी भाई पूरी सिटी खड़ी कर सकते हो आप उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर टाइप करना है बी सिक्स यार थोड़ा सा दूर चलू गया बिल्डिंग आपस में कोलैप न हो जाए बस और राइट ये बड़ी बिल्डिंग है यार थोड़ी सी लेकिन अभी सबसे बड़ी बिल्डिंग तो नहीं आई है ना उनको भी बुलाते हैं जल्दी से बी सेवन एट नाइन टेन तक अभी तक बचे हुए हैं यार उनको भी बुला लेते हैं जल्दी करके तो बी सेवन टाइप कर दिया मैंने और ये आगे गाइज बी सेवन वाली बिल्डिंग ओ भाई काफी बड़ी है यार लेकिन B8 वाली शायद इससे भी ज्यादा बड़ी होगी चलो गाइस टाइप करते हैं B8। देखते हैं भाई कितनी ज्यादा बड़ी बिल्डिंग आती है यहाँ पर कितनी सारी अबे यार ये तो कोलैप्स हो गई आपस में भाई इतनी ज्यादा बड़ी बिल्डिंग है देख भी नहीं पा रहा मैं और अब स्पॉन करते हैं पर B9 वाली बिल्डिंग ओ भाई ये तो शायद सबसे बड़ी वाली बिल्डिंग है गाइस सबसे बड़ी वाली बिल्डिंग बिल्डिंग भी स्पॉन कर सकते अपन भाई मजा आ गया अब पर एक लास्ट बिल्डिंग बची हुई है जो कि है बी टेन अब बी टेन से कौन सी बिल्डिंग आएगी देखते हैं भाई ये इससे भी ज्यादा बड़ी तो नहीं होगी लेट्स गो गाइस यहाँ पर राइट क्लिक करके देखते हैं कौन सी बिल्डिंग आती है और अरे यार ये तो नॉर्मल बिल्डिंग है जो कि हमें रेलवे स्टेशन के पास में देखने को मिलती है भाई लेकिन वो छोड़ो ये देखो गाइस भाई साहब पूरी की पूरी मैंने सिटी खड़ी कर दी है वहां पर भी एक सिटी है यहाँ पर भी एक सिटी है भाई दूर दूर तक तो देखो गाई कितने सारे घर मैंने खड़े कर दिए हैं स्नैपर से दिखाता हूँ ये देखो गाइज भाई साहब वो देखो पर कंस्ट्रक्शन एरिया और ये रहा अपना हाउस जो कि पहले स्पॉन किया था भाई कितना शानदार हो गया ना ये व्यू लेकिन क्या आप सभी को पता है अभी भी आरजीएस टूल के चीट कोड खत्म नहीं हुए अभी तक मैंने आपको 22 चीट कोड बता दिए इसके ठीक है आरजीएस टूल के लेकिन अब देखो गाइस और भी ज्यादा चीट कोड आपको बताता हूँ तो अगर आप यहाँ पर टाइप करते हो ना देखो सिंपल यहाँ पर जाके पी आप टाइप करोगे तो यहाँ पर वो पोल होता है ना यानी कि खंबा लाइट वाला खंबा आ जाएगा ठीक है तो ये पी हो गया तो इस टाइप के जो चीट कोड आप डालोगे ना उससे जितने भी ऑब्जेक्ट है ना गेम के अंदर वो आने वाले हैं ये डब्ल्यू डब्ल्यू किसने लिखा भाई अब यहां पर डालते हैं सेकंड चीट कोड ठीक है स्टूल का तो इस बार आपको टाइप करना पी टू जैसे आप पी टू टाइप करोगे तो यहाँ पर जो ट्रैफिक का कौन होता है ना पुलिस वाले लगाते हैं उसको तो वो आ जाएगा यहाँ पर सॉरी कंस्ट्रक्शन एरिया पे लगता है ये तो ये आ जाएगा उसके बाद अगर आप यहाँ पर टाइप करते हो पी थ्री भाई देखते रहो कितना इतनी सारी चीजें आएगी ये देखो ब्रिक आ गई यहाँ पर जो कि हमें एयरपोर्ट के अंदर देखने को मिलती है ना ब्रिक ये वो अली ब्रिक है उसके बाद अगर आप यहाँ पर टाइप करते हो P4 तो आपके घर के बाहर जो मतलब इस तरीके का बगीचा होता है ना आपने देखा होगा जहाँ पर पेड़ लगे हुए आपके न्यू हाउस में तो वो ये यहाँ पे बगीचा आ जाएगा ठीक है उसके बाद अगर आप यहाँ पर P5 टाइप करते हो ना तो आपके न्यू हाउस में जो डस्टबिन नहीं होता है ग्रीन कलर का वो भी आपको देखने को मिल जाएगा भाई ये देखो सारे के सारे ऑब्जेक्ट आ रहे हैं धीरे धीरे करके उसके बाद आता है चीटकोड पी सिक्स का जैसे आप ये टाइप करते हो तो कहीं वो साइन बोर्ड नहीं होता ट्रैफिक साइन बोर्ड वो आ जाएगा यहाँ पर ये देखो चलने वाला ठीक है

ये हमारे घर के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है ओल्ड वाले में भी नहीं है न्यू वाले में भी नहीं है भाई ये वाला फ्रिज आ गया उसके बाद अगर आप यहाँ पर टाइप करते हो आ, क्या था भाई P10 सबसे लास्ट चीट कोड है ये तो इससे गाइज वो बिजली घर वाली अलमारी नहीं होती जिसके अंदर वायरिंग कनेक्शन वगैरह होता है वो आपको देखने को मिल जाएगी भाई अबे इसके ऊपर कहाँ पे चढ़ रहा है तो अभी तक गाइज मैंने आपको 32 चीट कोड बता दिए हैं अभी तो रुको गाइज अभी तो शुरुआत हुई है अब देखो गाइज यहाँ पर अगर आप टाइप करते हो T1 तो गाइज आपके सामने पेड़ आ जाएगा नॉर्मल वाला जो कि आपको घर के बाहर देखने को मिलता है और अभी तो देखो कितने सारे ट्री में स्पॉन करके दिखाता हूँ उसके बाद अगर आप टाइप करते हो T2 बोलने में काफी अजीब लग रहा है T2 तो यहाँ पर ये दूसरे तरीके का पेड़ आ जाएगा जो कि थोड़ा सा और ज़्यादा ग्लो कर रहा है उसके बाद अगर आप यहाँ पर टाइप करते हो टी थ्री तो टाइप थ्री का पेड़ आएगा ये देखो गाइस इसके अलावा गाइस जुरासिक पार्क के अंदर जो पेड़ है ना उनको भी आप बुला सकते हो तो आपको इसके लिए टाइप करना है टी फोर तो ये जुरासिक पार्क वाला पेड़ आ जाएगा पहला पेड़ है ये ठीक है और जुरासिक पार्क के अंदर तीन तरह के पेड़ होते हैं उसके बाद आपको टाइप करना है टी फाइव तो ये देखो जोरासिक पार्क का जो लंबा वाला पेड़ होता है ना वो भी आपको देखने को मिल जाएगा अब यहाँ पर और भी है या फिर नहीं देख लेते हैं अब यहाँ पर टी सिक्स टाइप करके देखते हैं कौन सा पेड़ आता है ओके ये ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा पेड़ है भाई और टी सेवन टाइप करके देखते हैं जल्दी से टी सेवन में भी कोई पेड़ आएगा क्या नहीं कहा टी सेवन में कोई भी पेड़ नहीं है तो एक से लेकर छः पेड़ तक आप बुला सकते हो बट गए ये वाले चीट कोड अभी भी खत्म नहीं हुए हैं अभी तो, तो बस शुरुआत हुई है गई ये देखो अब यहाँ पर अगर आप टाइप करते हो C1, तो सामने की तरफ एक कंटेनर आ जाएगा ऑरेंज कलर का सॉरी रेड कलर का अब यहाँ पर कितने कंटेनर आप बुला सकते हो सारे के सारे बुला के ही दिखाता हूँ आपको मैं थोड़ी खाली जगह चाहिए बस ये वाली जगह परफेक्ट है चलो अब यहाँ पर टाइप करना आपको C2 भाई देखते रहो इस कितनी सारी चीजें ऐड हुई ना ये देखो ब्लू कलर का कंटेनर आ गया ना अब यहाँ पर आप ना अपना खुद का मर्जी का रैम्प बना सकते हो उसके ऊपर मतलब आप चैलेंजेस कर सकते हो कुछ भी अब C3 से देखो व्हाइट कलर का कंटेनर आएगा अब यहाँ पर C4 भी लगाते हैं और C5 भी लगाते हैं ठीक है तो सी से देखते भाई किस कलर का ओगे ये ऑरेंज रस्टी कलर का यहाँ पर जो है कंटेनर आ गया ये गेम के अंदर है या फिर नहीं पता नहीं गाइस उसके बाद आप C5 फाइव डायल करोगे तो ये ग्रीन कलर का कंटेनर आएगा और ये लास्ट कंटेनर इसके बाद आप कंटेनर स्पॉन नहीं कर सकते ये लिमिट हो गई इसकी उसके बाद अभी तक यहाँ पर चीट कोड एंड नहीं हुएगा इस अब मैं आपको बताता हूँ कुछ और सीक्रेट चीट कोड अगर आप यहाँ पर टाइप करते हो W1 W1 आपको टाइप करना है तो यहाँ पर एक वॉल आ जाएगी और हाँ गई ये जो वॉल है ना इससे आप है ना पजल बना सकते हो गई पजल जितने भी टाइप के आप बनाना चाहते हो तो W1 से वॉल आएगी उसके बाद अगर आप W2 लिखते हो तो दूसरे तरह की वॉल आएगी दोनों अलग अलग वॉल है ठीक है दोनों का टेक्सचर बिल्कुल अलग है अब यहाँ पर वॉल सिर्फ आप दो ही स्पॉन कर सकते हो उसके बाद एक और चीट कोड आपको बताता हूं आप जाना आरजिस यहां पर टाइप करना आर वन तो यहाँ पर रैम्प आ जाएगा ये देखो गाइस भाई साहब जो सामने आपको रैंप दिख रहा है ना वो देखो नीचे की साइड में सेम वैसा के वैसा रैम पे ही। तो इस रैम को आप कहीं पर भी ऐड करके इसके ऊपर जंप भी कर सकते हो यार अब एक सेकंड यहाँ पर ध्यान से देखो भाई पूरी, पूरी, पूरी है और कितनी सारी चीजें मैंने है। तो अभी चालीस से भी ज्यादा चीट कोड बताए है आर जी टूल के लेकिन अभी भी चीट कोड खत्म नहीं हुए अब आप चाहते हो कि ये सारी बिल्डिंग आप सेव कर लो मतलब ये हटनी नहीं चाहिए गेम के अंदर से ठीक है तो आपको जाना है आरजीएस जी में यहाँ पर एस डी लिखना है तो यहाँ पे लिखा है यहाँ पर पूरा डेटा सेव हो जाएगा देखो गाइस अब ये बिल्डिंग हटने वाली नहीं है अब एक और चीज कर लेता हूँ मैं पहले यहाँ पर कैरेक्टर की जो पोजीशन है वो भी सेव कर लेता हूँ ताकि अपना कैरेक्टर वापस यहीं पर आए मैं आपको दिखाता हूँ अब गेम को है ना बैक करते हैं देखते हैं बिल्डिंग हटती है या फिर नहीं ठीक है गेम को मैंने बैक करा अब वापस यहाँ पर कैरेक्टर की पोजिशन को लोड करके देखते हैं अपन तो अभी जस्ट मैंने गेम को बैक करा उसके बाद मैं पूरा एग्जिट करके आपको दिखाऊंगा वापस से ठीक है तो यहां पर देखो अभी तक ये बिल्डिंग नहीं हटी है यहाँ एक चीज बताऊं ये जो बिल्डिंग है ना भाई परमानेंट आपके गेम के अंदर सेव हो चुकी है इनको हटाने का तरीका मैं लास्ट में बताऊंगा ठीक है पहले यहाँ पर गेम को देखो मैंने एग्जिट करा होम स्क्रीन पर आया अब वापस प्ले करते हैं ठीक है आपके सामने ही प्ले कर रहा हूं अब वापस है ना इसको लोड करते हैं और देखते हैं क्या इस बार अपनी बिल्डिंग हटी है या फिर नहीं वहां से बिल्डिंग्स वगैरह जो भी चीज़ें मैंने ऐड करी थी और बाप रे एक भी सिंगल चीज़ भी यहाँ पर से नहीं हटी हुई सारी बिल्डिंग यहाँ पर भाई ऐसे तो यहाँ पर अपन कोई चीज़ मतलब हटाना चाहते हैं यहाँ से तो हटा ही नहीं पाएंगे बिकॉज डिलीशन का कोई ऑप्शन है ही नहीं कोई चीज़ डिलीट नहीं कर सकते हम तो तरीका क्या होगा यार एक काम करते हैं गए पूरा गेम एग्जिट कर देते हैं ठीक है यहाँ से मैं बाहर निकल जाता हूँ पूरा ठीक है होम स्क्रीन पर आगे फ़ोन किया वापस से गेम स्टार्ट करते हैं उसके बाद में प्ले करके देखेंगे कि भाई क्या वाकई में बिल्डिंग हटी है या फिर नहीं और अगर नहीं हटती है तो इसका तरीका तो मैं आपको बता ही दूंगा टेंसन नॉट है मेरे पास तरीका अवेलेबल है तो यहाँ पर अपना गेम वापस से आ चुका है अब वापस से लोड करते हैं और देखते हैं भाई अपनी बिल्डिंग हटी है या फिर नहीं प्लीज इस बार अरे यार अभी भी नहीं हटी गई पूरा गेम मैंने रिस्टार्ट कर दिया उसके बाद भी ये बिल्डिंग्स नहीं हटी है तो भाई इसको हटाने का सिंपल सा तरीका आपको बताता हूँ सबसे पहले आपको गेम को पूरा एग्जिट कर देना है ठीक है उसके बाद आपको गेम को होल्ड करना है यहाँ पर एप इन्फो में जाना है उसके बाद आपको जाना है यहाँ पर स्टोरेज में और ये क्लियर स्टोरेज कर देना आपको पूरा क्लियर डेटा या फिर क्लियर स्टोरेज कर देना है उसके बाद आपको दोबारा से गेम रीस्टार्ट करना है और फिर से आपको वही लोकेशन पे आना है ये देखो गाइस सारी की सारी चीज़ें यहाँ से हट चुकी है डेटा क्लियर करने के बाद तो गाइस अभी मैंने अपने घर के बाहर एक रैम्प को ऐड कर दिया अभी देखना गाइस वहां से मैं जंप करूंगा और देखते भाई अपने घर के आर पार जा पाते हैं या फिर नहीं मतलब ऊपर से ओके यहाँ पर काफी ऊपर गई है निशान जीटीआर ओ भाई साहब सीधा बिल्डिंग के ऊपर ही आ गया मैं तो तो गाइज जो भी हो यार काफी मजेदार चीट कोड ऐड करें काफी मजेदार है गाइज आप जाकर ट्राई करना और हाँ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय एंड लव यू ऑल